खाली बार खाली ये गली भुलाने वाली दिन के सवालों पे रातों का जवाब जो बचा के रख चुके हो देखो वो भी बन गए हैं कल के इमारतों पे आज का हिसाब खाम खाही गिन रहे हो हम वो सदी जो बीत जाएगी बेमतलब 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 कितना डांस किया सब लोगों ने और खाना भी खत्म हो गया है रसगुल्ला केक बचा है बस अच्छा हुआ ना ये तो खाना फिर फ्रिज में ठूसो हाँ मम्मी जी थैंक यू बंगालनों में ये खास बात होती है कितने भी थके लुटे हो मगर रसगुल्ले तो ये ढूंढी लाती हाँ मैं लेके आता हूँ आप रहने दे सोते रहें यू ओके जब मुझे अच्छी चीज मिले तो उसे जल्दी से महफूज कर लेती हूँ अपने लिए आंटी अरे क्या बोलती हो बेटा तुम अमरीका से आती तो समझती नहीं हो महफूज नहीं कहो कि अच्छी चीज मिलती है तो मैं उड़ा लेती ये बहुत अच्छा I don't understand how you're not believing me. They were kissing. लगता है आपको चढ़ गई है भगवती ग्लास तुम्हारे हाथ में और मुझे चढ़ गई आप ना हॉलीवुड की फिल्में ज्यादा देखती हैं यहाँ वो सब नहीं होता मैं हॉलीवुड फिल्में नहीं देख रही थी लाइव शो देख क्या रही हूँ दोनों का आप जरा अपने कमरे में जाएंगे जाके सो जाइए लगता है आपका जेट लैग उतरा नहीं है सच अ फूल है वो या हम ये ट्राई करते हैं लाइक अ पिक्सी कट वेरी वेरी शॉर्ट सारा छुट्टी लाइक दैट या हम ये करते हैं लाइक अ फ्रिंज यू नो रहने दो ऐसे ही ठीक है हमें नहीं कटवाने ये देखो कटवा के बैठी कैसी लगती है अब इतने परेशान कर रहे थे तो संभालना तो मुझे ही पड़ रहा था ना क्या संभालना पड़ रहा था कोई आपका आदमी है जो संभालती है बाली तो थे ये देखो बैठे मेरी जान का रोग है इनको संभालते संभालते सोते हुए आदमी को गिफ्ट खोल ही रही हो तो ये मेरे तरफ से गिफ्ट पर्सनल था इसीलिए सबके सामने नहीं दिया अरे पीपलिका जी आप तो फुल ऑफ सरप्राइजेस हैं एनिवर्सरी गिफ्ट पेंटिंग है इसमें तो हेमंत नहीं है आई नो कभी कभी ना स्केल प्रोपोर्शंस गलत हो जाता है सो तुम्हारे शोल्डर के पीछे इमेजिन किया बट इट डिडन्ट वर्क आउट कोई नहीं कैनवस में फिट नहीं हुआ तो क्या हुआ पिक्चर में तो हूं ना आस्था मेरी वाइफ है है ना बेबी तुम उसके पीछे रखे लैंप की लाइट हो हेमंत आस्था की लाइफ की लाइट चलो लाइट ही सही जब चाहो ऑन जब चाहो ऑफ ऑन ऑफ साउंड्स लाइक मैरिड लाइफ मैं ऊपर रख देती हूँ इसे ए देना वापस तुम पिपलिका जी को ड्रॉप नहीं कर रहे हो मैं चली जाऊंगी स्वीट ऑफ यू टू वरी हेमंत नहीं नहीं ऐसे कैसे ऐसा ऐसा करो तुम एक नाइटी ना रख लो उधर ही रह जाना हेमंत मैं घर में बहुत काम है मुझे माँ भी आई हुई है मैं ऐसे थोड़ी जा सकती हूँ रियली इट्स ओके हेमंत आस्था मैं निकलती हूँ Good night. Oh, Ridhima, right? Yeah. Nice to meet you. Bye.
पीपिका जी श्योर आई मीन आफ्टर ऑल ये दिल्ली है एम्बेसडर खड़ी है बाहर प्रॉब्लम नहीं है आशा पक्का नहीं जाना नहीं हेमंत देखा आशा भी ना कुछ भी हो जाए अपनी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करती आफ्टर ऑल अपने दोस्त के यहाँ एक रात बिताना बड़ी बात तो बिल्कुल है ही नहीं लेकिन हस्बैंड के बिना उसे होता नहीं है सच आप बहुत लकी हो हाँ जी बहुत लकी नाइस जैकेट हेमंत हैंडसम मम्मी सब कहाँ है बब्बू सुबह सुबह चाय देके चली गई अपनी सहेलियों के साथ मम्मी गई है अपनी सहेलियों के साथ सत्संग में और आस्था 9 बजे है बेटा आस्था कॉलेज में है पता नहीं सहेलियों का फैशन हो गया आजकल पेरिस में सो के उठी हो क्या रोज पेरिस का सनराइज देख सकते हैं अगर तुम चाहो तुम पेरिस में जाके सो जाओ मुझे यहाँ अपने स्टूडेंट्स का लेक्चर लेना है माई एप्लीकेशन एकोल डे आर्ट इन पेरिस गॉट एक्सेप्टेड Seriously? Paris? Wow. और मैडमोजेल उन्होंने बहुत ही कीन इंटरेस्ट दिखाया है इन हायरिंग एन एड हॉक इंग्लिश लिटरेचर टीचर सीवी सुपीरियर इज व्हाट दे सेड तुम्हारा रेज्यूमे देखकर मेरा रेज्यूमे भेजा तुमने बस 3 महीनों की तो बात है इमेजिन मैं और तुम एक छोटे से घर में विंडो से सैक्रकर दिखेगा वॉक्स ऑन द सेन आई मीन द कॉबल्ड स्ट्रीट्स द म्यूजियम्स द आर्ट द म्यूजिक द सेक्सी वेदर कोई राइट्स नहीं कोई अस एंड देम नहीं सिर्फ और सिर्फ अस दरवाजे पे पैनल में लिखा है आस्था एंड पीपिका हैंडक्राफ्टेड वाओ सो यू आर इन तुम सपने देख रही हो मैं भी सपना देख रही हूँ तुम्हारे साथ ये कोई सपना नहीं है प्रोफेसर अपने घर से तुम्हारे घर तो आ नहीं पाती पेरिस क्या जाऊंगी सीरियसली इट्स योर डिसीजन बट ऑल आई एम सेइंग इज आज नहीं तो कल कोई ना कोई डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा तुम घर जाके सो जाओ पेरिस में मैं तुम्हें कल मिलूंगी आज मुझे हेमंत के पुराने दोस्तों के साथ लंच पे जाना है आई होप कल तुम पेरिस में नहीं दिल्ली में जागो आई लव यू
यार मुझे तो लग रहा था कि सर्दियों तक सब कुछ सेटल हो जाएगा, पर ये दंगे तो चल ही रहे हैं। हफ्ते में दो दिन तो पूरा बिजनेस बंद करना पड़ता है। यार मैंने तो पापा को बोल कर ना 2 महीने के लिए शोरूम बंद करा दिया। क्या? हाँ, मैंने कहा लेट्स जस्ट गो फॉर अ क्रूज, इस बहाने से यूरोप और अमेरिका घुमाएंगे। और देख अगर वैसे भी कुछ हुआ ना तो अभी कोर्ट में हियरिंग भी नहीं हो रही है। नहीं नहीं नहीं, कोर्ट चल रहे हैं। अच्छा माँ, आज सुबह ही पढ़ रहा था मैं सेक्शन 377। कौन सा? वो होमोसेक्सुअल गे सेक्स। 2 लड़कियों को पकड़ा, लेस्बियंस, सैनिक फार्म्स में। क्या बात कर रहे हैं? सिंगल हियरिंग में जेल, नो बेल, नो परोल, सीधे मैक्सिमम 10 साल। उसके ऊपर से फाइन, उसके ऊपर से 1 के 2 बच्चे हैं तो फैमिली की तो। लेकिन यार ये 2 लड़कियां करती क्या होंगी? नहीं सीरियसली, जब वो ही नहीं है तो जोर से नहीं, लोग सुन लेंगे। मुझे क्या पता क्या करती होंगी। मैं समझ सकता हूँ कि लोग भटक जाते हैं, लेकिन सोच के भी मुझे तो घिन आती है। इट्स डिसगस्टिंग यू नो, इंग्लैंड में 50 साल पहले तक टांग देते थे ऐसी लेडीज को। अच्छा, लेकिन क्या करती होगी सीरियसली? नहीं वो छोड़ना, जो भी हो उसके लिए घर छोड़ना, फैमिली छोड़ना, जेल चले जाना, जब वो ही नहीं है जिससे सब कुछ हो सकता है। सॉरी 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 भाभी जी, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर आपको एम्बैरेस कर रहा है। मैं को सॉरी करते हैं। आरू को डांस क्लास से पिकअप करना है। यस सॉरी पर सॉरी। खाना तो आ जाने दो। हाँ मम्मीया। चलो वापस से बच्चा ड्यूटी। क्या कर रहा है भैया? प्लीज रहने दीजिए। आई विल सी टू इट। लेट हो रहा है। थैंक यू। अगला लंच हम पे प्रॉपर लंच करेंगे। बाय बाय बाय। या हेमंत को पता है या ये पूरी कॉन्वर्जेशन एक अजीब कोइंसिडेंस थी। मैंने अपनी शादी के 11 साल हवा के झोंकों के साथ एक इधर से उधर धक्के खाते हुए बिताए हैं। अब पहली बार मैं हवा के सामने डट के खड़ी हूँ तो एक अजीब सी क्लैरिटी महसूस कर रही हूँ। मेरा मन कर रहा है मैं चीखूँ चिल्लाऊँ और उन लोगों से कह दूँ जो ऐसी लड़कियों को गलत समझते हैं, घटिया समझते हैं, गंदी समझते हैं, उनसे कह दूँ कि मैं वो लड़की हूँ। पर पता है क्या, दुनिया गलत है। मैं गंदी नहीं हूँ, मैं घटिया नहीं हूँ, बस ये दुनिया ऐसे प्यार के वर्जन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। आस्था गाड़ी यहाँ है। किनोस चले। डिसीजन तुम्ही ने लेना आज, अगर तुम रहना चाहती हो कि नहीं। पीपी के बारे में अगर लोगों को पता चल गया तो बदनामी तुम्हारी ही है। तो हो जाता है यार, और तुम्हें पागलपन, मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन तुम्हें पता है ना कि लोग तुम्हें कैसे देखेंगे। Forget the law, yeah. Forget 377 वगैरह। मैं बच्चों को बोल दूंगा कि उनकी माँ क्या है। लड़का होता तो उठा के घर के बाहर फेंक देता मैं। लड़की है तो पता है कुछ हुआ नहीं। नहीं यार ये मॉडर्न लड़कियां ऐसी नहीं, बहका दिया उसने तुम्हें। मुझे मैं आरू को खुद पिक कर लूंगी, मुझे जाना है हेमंत। फिर से कह रहा हूं मैं, लड़का होता तो तुम घर के बाहर होती और एक लॉयर तुमसे तुम्हारे बच्चे छीन रहा होता। लड़की है इसलिए मैं तुम्हें एक दूसरा मौका दे रहा हूं। हेलो। दरवाजे पे सिर्फ इनिशियल्स होंगे, P एंड A।
Do you know what you're saying? मैं नहीं मिल पाऊंगी अकी और अरु से कभी भी. पर मैं नहीं चाहती वो जब बड़े हो जाए तो वो ऐसा सोचे कि उनकी माँ सोसाइटी से डर गई. मैं किसी दिन लाइफ में मौका मिला तो उन्हें जरूर समझा दूंगी. तुम्हारे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, वो तुम्हारे हैं. You're a great mom, yeah. They'll find a way to keep your children with you. Please, he can't take them away from you. Just trust me on that, okay? मैं सब रेडी करती हूँ. तुम्हारा पासपोर्ट चाहिए, okay? I'll handle everything. ठीक है. I love you. ओए पार्थो, कुछ आया है तुम्हारे लिए. बेटी ने भेजा है. थैंक यू. बाल कर दिए पीपली. आजा बेटा. धीरे, धीरे धीरे भागा करो, पत्थर भी है यहाँ पर. गरम गरम भुट्टा. एक बात मुझे आपसे कहनी है. हाँ जी. ये बब्बू अपने कमरे से 2 दिन हो गए निकली नहीं बाहर. मैंने तो तुमसे कहा था कोला की जगह कुछ और ही पीती होगी. कोला नहीं तो क्या पीती है बुआ? अरे तुम अपना हाथ संभालो, गर्म है. करो कि क्या पीती है. अच्छा हाँ, आप ये भुट्टा खाओ. चलो भुट्टा खाओ. सॉरी बोलने से पहले एक बात बताओ, क्या करती थी तुम दो औरतें? डिटेल्स बता ना प्लीज, क्योंकि मुझे कोई आइडिया है ही नहीं कि काम कैसे करता है. कुछ होता भी है क्या? मुझे कोई आइडिया नहीं है सच में. मतलब जो चीज है जिससे कुछ भी हो सकता है वो तो है ही नहीं, मिसिंग है.
अरे मैं तुमसे रंगीन डिटेल्स मांग रहा हूँ, तुम ये ब्लैक एंड व्हाइट पेपर दे रही हो मुझे। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है। प्रेग्नेंट हो? पिपली कहाँ गए? 86 में पहली बार गए थे तुम टोक्यो, तब पहली बार तुम्हारे बैग से कॉन्डम मिला था मुझे। इग्नोर कर रही हूँ तब से, पर ब्लड टेस्ट कराना सीख लिया। टोक्यो, सिंगापुर, कोरिया, जब भी तुम ओवरसीज जाते हो मैं ब्लड टेस्ट करा लेती हूँ। तुम आते हो वापस, तुम्हारे बैग से कपड़े निकालती हूँ, अलमारी में रखती हूँ, और तुम्हारे कॉन्डम्स साइड टेबल के पहले ड्रॉर में, हर बार, हर बार। तो आप क्यों बोल रही हो? गिल्ट देना चाहती हो मुझे? इश्यू बनाना चाहती हो? बनाओ, बनाओ इश्यू। 7 साल बाद एक छोटी सी चीज को लेकर इश्यू बनाओ। छोटी सी चीज? कोई छोटी चीज है? तुम्हारी हर चीज को इग्नोर किया मैंने हेमंत। अक्षत के समय जब प्रेग्नेंट थी मैं माँ के घर जाके रहना चाहती थी, तुमने मुझे जाने नहीं दिया। क्यों? क्यों नहीं जाने दिया? जाने देते? इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि तुम डिसाइड नहीं करना चाहते थे कि खाने में परवल बनेगा या भिंडी। तो इश्यू बनाना चाहती हो ना? हाँ, गलती में पकड़ी गई तो बस कोई भी चीज लेके इश्यू उठाओ, है कि नहीं? यही करती हो तुम आस्था, अपनी मिस्टेक को मानने के बजाय किसी और पे उंगली उठा दो। पति मारता नहीं है तुम्हें, बेवड़ा नहीं है, पैसे कमा के घर चलाता है, मैडम के ब्यूटी पार्लर के बिल भरता है, तो और कैसे दोगी तुम गिल्ट ट्रिप? रहने दो, बोरिंग हो गया ये सब, चलो सो जाते हैं। 11 साल हो गए हमारी शादी को, नकली साड़ियां लाके देते हो। किया क्या तुमने मेरे लिए? हाँ, इतना भी नहीं जानते कि इन साड़ियों से मुझे रैश होता है? तुम जानते क्या हो मेरे बारे में? अच्छा बुरा सही गलत मैं क्या सोचती हूँ, क्या देखती हूँ, क्या? तो ऐसा करते हैं, हाँ, साड़ियां ना, हाँ, जाके पिपिका को दे दो, विधवा रिलीफ फंड की तरह सोच लेंगे। घर में जब गेस्ट आते हैं, लोग आते हैं, मेरे बारे में कभी बात की है तुमने? ऑफ कोर्स बात करता हूँ तुम्हारे बारे में, क्या बोल रही है तुम? उन्हें आज तक कभी बताया कि मैं क्या करती हूँ, तुम्हारी बीवी क्या करती है? तुम्हें पता है मैं क्या करती हूँ? कभी किसी को बताया कि मैं कॉलेज में क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ? हमेशा दोस्तों के साथ बैठ के बस बोलते हो कचौरियां बहुत अच्छी बनाती है, कचौरियां। कभी किसी को बताया कि मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ पर डिसर्टेशन लिखी है? हाँ, तुम सीरियसली सरप्राइज्ड हो कि मैंने लाइन क्रॉस की है? 11 साल तुमने मुझे धकेला है लाइन के उस पार, 11 साल रोज किसी ना किसी तरीके से बस धकेलते जा रहे हो, खुद से दूर, सबसे दूर, और आज मुझे पूछ रहे हो कि मैंने लाइन क्रॉस की है? पर रहेगी तो यही ना? तेरे बाबा ने तो एक किराए के घर में वो चल बसे, इसलिए तेरी माँ ने सब कुछ बेचकर मुझसे शादी करवाई, क्योंकि मेरा तो अपना घर था। पापा की बात मत, ताकि तू आराम से जी सके। माँ पापा की बात। अच्छा, माँ बाप के बारे में मत बोलो। तेरी माँ ने तो पूरी जिंदगी काट दी तेरे बाबा की चिंदी सी पेंशन पे। प्लीज माँ पापा की बात मत करो। मैंने उनका हेल्प किया है ताकि तू सुकून से जी सके, ताकि तू आराम से रहे। हेमंत चुप हो जाओ, चुप तो रहो ना, मजे से रहो, फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ एक बिजनेसमैन थोड़ी ना रहता है इस छत के नीचे। अब छोड़ो ना आस्था, हाँ चलो सो जाते हैं, आओ ना, जरा याद तो दिला दो ना। हाथ मत लगाओ। याद दिला दो, व्हाट इट फील्स लाइक द रियल थिंग। हाथ मत लगाओ हेमंत, हाथ मत लगाओ। ना भी नहीं चाहती। वो औरत है आस्था, कोई फ्यूचर नहीं है तुम दोनों का। आ जाओ, आके सो जाओ, कल सुबह तक तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा।
5 दिसंबर 1992 आज मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं पेरिस जा रही हूँ।